नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। गुप्त नवरात्रि को माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि मुख्य तौर पर साधना का पर्व होता है और प्रत्येक नवरात्रि में भक्ति के साथ उत्सव भी होता है। साल 2023 की पहली गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से शुरू हो रही है जो 30 जनवरी 2023 तक चलेगी। इन दोनों दिनों में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है। ये नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नौमी तिथि तक चलेंगी। 17 जनवरी को शनि ग्रह ने गोचर करके इस कुंभ राशि में प्रवेश किया है। सबसे धीमी चाल चलने वाले शनि 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। इस तरह 30 साल बाद गुप्त नवरात्रि के समय शनि अपनी राशि कुंभ में है। इसके अलावा 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति होगी जो कि पूरी गुप्त नवरात्रि के दौरान रहेगी। शनि और शुक्र में दोस्ती का भाव है, ऐसे में गुप्त नवरात्रि के दौरान शनि और शुक्र की युति बेहद शुभ फल देगी। इस दौरान माँ की आराधना करना जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। माघ मास तपस्या करने के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि इस दौरान लोग त्रिवेणी संगम पर कल्पवास करते हैं। इस तरह माघ महीने में गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र के लिहाज से बहुत खास होती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में वामजा तंत्र मंत्र पद्धति से देवी को प्रसन्न किया जाता है। खास करके यम समेत साक्त महाकाली की पूजा करने वाले और शिव यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वाले संप्रदाय के लोगों के लिए विशेष होता है। गुप्त नवरात्र में संहारकर्ता देवी देवताओं के गणों यानी भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकिनी चाकनी खंडगी शूलनी शवानी सौरुड़ा आदि की साधना करते हैं।